बिहार विकास मित्र वैकेंसी 2022 बेतिया। बिहार विकास मित्र भर्ती अलग अलग पंचायतों में होगी बहाली। बिहार में एक बार फिर से विकास मित्र के पदों के लिए भर्ती आई है। यह भर्ती पश्चिमी चंपारण के बेतिया में निकाली गई है। यह भर्ती अलग अलग प्रखंड में निकाली गई है। इन पदों के लिए आवेदन ऑफलाइन के माध्यम से लिए जाएंगे। इन पदों के लिए शैक्षणिक योग्यता बहुत कम रखी जाती है। अगर आप साक्षर 5वीं 8वीं या मैट्रिक पास हैं तो आप इन पदों के लिए आवेदन कर सकते हैं। बिहार विकास मित्र भर्ती अलग अलग पंचायतों में होगी बहाली। तो अगर आप भी इन पदों के लिए आवेदन करना चाहते हैं तो नीचे दी गई जानकारी को पूरा जरूर पढ़ें। इस भर्ती से जुड़ी सारी जानकारी नीचे विस्तार में दी गई है। इन पदों के लिए आवेदन करने और इस बारे में और अधिक जानकारी के लिए नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक कर देखें। पोस्ट नेम बिहार विकास मित्र वैकेंसी 2022 बेतिया। बिहार विकास मित्र भर्ती अलग अलग पंचायतों में होगी बहाली। पोस्ट डेट 5/1/2023। पोस्ट टाइप जॉब वैकेंसी। वैकेंसी पोस्ट नेम विकास मित्र। नोटिफिकेशन इशू डेट 5/1/2023। लास्ट डेट विज्ञापन प्रकाशन की तिथि से 10 दिन तक। अप्लाई ऑफलाइन ऑफिशियल वेबसाइट। वैकेंसी शॉर्ट डिटेल्स। यह भर्ती अलग अलग प्रखंड में निकाली गई है। इन पदों के लिए आवेदन ऑफलाइन के माध्यम से लिए जाएंगे। इन पदों के लिए शैक्षणिक योग्यता बहुत कम रखी जाती है। अगर आप साक्षर 5वीं 8वीं या मैट्रिक पास हैं तो आप इन पदों के लिए आवेदन कर सकते हैं। बिहार विकास मित्र वैकेंसी 2022 बेतिया इम्पोर्टेंट डेट। संबंधित प्रखंड या नगर निकाय में आवेदन पत्र प्राप्त करना। विज्ञापन प्रकाशन की तिथि से 10वें दिन तक। मेधा सूची तैयार करना एवं प्रकाशन करना। विज्ञापन प्रकाशन की तिथि से 12वें दिन तक। मेधा सूची पर आपत्ति प्राप्त करना एवं निराकरण। विज्ञापन प्रकाशन की तिथि से 13वें दिन से 20वें दिन तक। चयन सूची का प्रकाशन विज्ञापन प्रकाशन की तिथि से 23वें दिन तक। नियोजन पत्र वितरण। शपथ ग्रहण अमुखीकरण विज्ञापन प्रकाशन की तिथि से 27वें दिन तक। आवेदन प्रक्रिया। संबंधित पंचायत या वार्ड के जाति बहुलता के इच्छुक आवेदक निर्धारित तिथि के अनुरूप अपना चयन हेतु आवेदन पत्र संबंधित प्रखंड के प्रखंड विकास पदाधिकारी को करें। नोट अधिक जानकारी के इस संबंधित प्रखंड कल्याण पदाधिकारी या प्रखंड विकास पदाधिकारी से संपर्क करें। बिहार विकास मित्र वैकेंसी 2022 बेतिया पोस्ट डिटेल्स। प्रखंड पंचायत या वार्ड नंबर कोटी बेतिया गनोली नगर निगम वार्ड नंबर 20-31। सामान्य महिला चनपटिया वार्ड नंबर 15 चारगाहा। सामान्य मझोलिया आमुआ मझार। एजुकेशन क्वालिफिकेशन। इन पदों के लिए शैक्षणिक योग्यता मैट्रिक या समकक्ष होनी चाहिए। मैट्रिक पास अभ्यर्थी नहीं रहे पर नॉन मैट्रिक 9वीं पास 8वीं पास 7वीं पास 6वीं पास एवं 5वीं पास का नियोजन किया जाएगा। महिलाओं के शैक्षणिक योग्यता नहीं मिलने पर साक्षर रहने पर भी चयन किया जा सकेगा। बरसते व अक्षर आंचल योजना में स्वयं सहायता समूह के साथ जुड़ी हो तथा वे सामाजिक कार्य में प्रगतिशील सक्रिय महिला हैं। लिमिट मिनिमम एज लिमिट 18 ईयर्स मैक्सिमम एज लिमिट 60 ईयर्स। बिहार विकास मित्र वैकेंसी का फॉर्म भरने के लिए डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां जाके फॉर्म भर सकते हैं।